राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर निवेदन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला। त्यामुळे काँग्रेसच्या संतप्त खासदारांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला। देशाच्या 70 वर्षांच्या राजकारणात डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचा निम्मा काळ आर्थिक धोरणांवर दबदबा राहिलाय। मात्र त्यांनी भ्रष्टाचाराचा एकही डाग लागू दिला नसल्याचं सांगत रेनकोट घालून आंघोळ करणं मनमोहन सिंगांकडून शिकावं असा टोला मोदींनी लगावला। काँग्रेसनं मात्र मोदींनी माफी मागितल्याशिवाय सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा दिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री जी हाउस में एक मिनट नहीं आए। हम आज के दिन हमने कहा कि कब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो हमें बताया गया तभी आएंगे जब सब लोग बोल चुके होंगे। हमारे आखिरी स्पीकर आनंद शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि 5 बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे। फिर ये हमें बताया गया कि नहीं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक आनंद शर्मा खत्म नहीं कर देंगे अपना डायलॉग, अपनी चर्चा। तो ये एक अपमान है, ये हाउस का अपमान है, ये एक एरोगेंस है। जब हमने ऐसी एरोगेंस इतिहास में नहीं देखी, ऐसे प्रधानमंत्री की एरोगेंस। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगाना जैसे कि वो स्कैमस्टर हैं, ऐसा हमने कभी प्रधानमंत्री को कहते नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देशवासियों के लिए हैं। और जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं उसकी एक अपनी गरिमा है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहां पार्लियामेंट में आके जैसे कि मैदान में भाषण कर रहे हैं, जैसे कि लोकल एक लोकैलिटी में भाषण कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि क्या वाक्य इस्तेमाल करना चाहिए, किस सोच के साथ बात कहनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये समझते हैं कि वो पाक हैं और हम सब ब्लैक मार्केटियर हैं। मैं समझता हूं कि हम ये सहन नहीं कर सकते। और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे, हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि किस बात पे किस तरह से डिबेट होनी चाहिए सदन में। शायद वो नए हैं, केवल उनको 2.5 साल हुए हैं। हम लोग यहां 20-25, कुछ लोग 30-30 साल से बैठे हुए हैं। हमें इस सदन की परंपरा मालूम है, हम इस सदन की मर्यादा जानते हैं। तो उनको ये बात समझनी चाहिए और सोच समझ से बात करनी चाहिए सदन में। Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।